ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज के ही दिन की, 7 अक्टूबर के ईश्वरदान की। हो सकता है आपको ये आज ही मिल जाए या तो हो सकता है आपको ये कल मिल जाए, लेकिन हाँ, जैसे ही 9 अक्टूबर को हमारा दशहरे का पूरा दार्जिलिंग में लंबा चलता है थोड़ा, वो जब महोत्सव ख़त्म हो जाएगा तब आपको हर दिन टाइम पर मिलना शुरू हो जाएगा जितना हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ें। परमात्मा चाहते हैं आज के वरदान में कि हम परमात्मा को सदा अपने साथ हाजिर नाजिर करके रखें और उनको सदा अपने साथ लेकर के हर कार्य करें। फायदा क्या होगा देखते हैं इस वरदान में। परमात्मा कहते हैं सदा हजूर को, हजूर हो गए ईश्वर या भगवान या परमात्मा या आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान पवित्र आत्माओं का भी पिता परमात्मा, सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भवा। कंबाइंड मीन्स मैं आत्मा उनका बच्चा और मेरे पिता, हम कंबाइंड हैं। जैसे होता है ना, माता पिता जाके कुछ अटेंड करते हैं कोई प्रोग्राम, तो हम कंबाइंड हम साथ में जा रहे हैं, वो साथ का महसूस हो हमें। बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं, मेरा प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा। बाबा मीन्स फादर। दिल से बाबा कहा और दिलाराम, दिल को आराम देने वाला दिलाराम हाजिर, इसलिए कहते हैं जरूर हाजिर है। और हजूर हाजिर है हर जगह। दुनिया वाले भी क्या कहते हैं भक्ति में कि भगवान जहाँ देखो तू ही तू है। ये अभी की बात है, जब आप परमात्मा को पहचान जाते हो कि स्वरूप में और उनके साथ संबंध जोड़ लेते हो तो आप उनको बुला सकते हो, बाबा आइए साथ में काम करें, साथ में चलें, साथ में इस व्यक्ति को मिलें, साथ में परिस्थिति को पार करें। हाजिरा हजूर है, इस समय ही परमात्मा हमारे साथ है। जब भी बुलाना चाहे बुला लें उनको। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। जब तक आप मेडिटेशन नहीं सीखते, आप उनको बुलाना नहीं सीखते हो, उनकी वाइब्रेशन आप फील नहीं कर सकते। हाँ, लगता है मुझे परमात्मा मेरे साथ आ गए, मुझे हल्का फील हो रहा है, वाइब्रेशन पावरफुल फील हो रही है, कुछ मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर तीसरे नेत्र में। ये तब महसूस होता है जब आपका कनेक्शन बहुत पावरफुल हो, प्यार वाला। गाया हुआ है करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। जिससे करवा रहे हैं हम आत्माएं और जो करवा रहे हैं परमात्मा, हम कंबाइंड हो गए। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। कंबाइंड रहना हर दिन हर समय बहुत ज़रूरी है, जिससे हम मेडिटेशन के द्वारा उनको अपना साथी बना सकते हैं और हम हर चीज़ में, हर सिचुएशन में हम सही सोच सकते हैं, सही बोल सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। कैसे करें, ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है इसके बारे में। इसके साथ ओम शांति।